Hello friends, welcome to my channel Vidisha's Creations. In the last video, we have done this board. हमने ये board बनाया था with the help of marble powder, fevicol MR and little bit of water. Okay? ये हमारा board ready हो चुका है. As you can see, यहाँ पे बहुत सारे आपको cracks दिख रहे होंगे और ये एक rough surface दिख रहा होगा. इस rough surface को अभी हमको we need to make this surface plain. तो इसको बनाने के लिए आपको ये सैंड पेपर लेना है. इस तरह का सैंड पेपर मार्केट में आता है एंड दिस नंबर इज़ P80. नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने ये सॉफ्ट वाला देखिए ये भी एक सैंड पेपर है एंड दिस नंबर इज़ P400. ये बहुत सॉफ्ट है तो जब आप इससे स्टार्ट करेंगे ना ये देखिए अभी जूम करिएगा इधर आप जब इससे करें ये देखिए इट इज़ नॉट स्क्रैचिंग. ये हो नहीं पा रहा है ये होगा नहीं क्योंकि ये सैंड पेपर इज़ नॉट राइट. अभी हम आपको ये जो आपको मैंने नंबर बताया P80 उसके साथ जब करेंगे तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉर्नर से. ठीक है ये देखिए आपको इसको पूरा रब करना है ऐसे. ये जो क्रैक्स हैं आपके वो भर जाने चाहिए और जो अनइवन सी सरफेस है आपकी यू विल यू नो फील हीट बिकॉज आप किसी चीज़ को ऐसा प्लेन होना चाहिए. ऐसा क्रैच करते हुए आपको पूरे बोर्ड को प्लेन बनाना है. ये देखिए एक पोर्शन मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कितना प्लेन हो जाएगा तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना प्लेन बनाना है. एक और ज़रूरी चीज़ बहुत ज़्यादा फेविकोल मत मिलाइएगा अदरवाइज़ वो इतना टाइट हो जाएगा कि सैंड पेपर के साथ वो रिमूव नहीं होगा वो प्लेन नहीं हो पाएगा. जिसकी वजह से रीज़न है मैंने थोड़ा पानी मिलाया क्योंकि बहुत सारा फेविकोल से वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको अपनी मनचाही सरफेस नहीं मिलेगी. ठीक है ये देखिए यहाँ पे मैं ये देखिए इसमें टाइम लगता है. आप टाइम लेकर के जितनी देर में बना सकते हैं बनाइए. मैं एक सरफेस आपको क्रैक्स मिटा के दिखाती हूँ कि कैसा हो जाएगा. इसको अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इस सैंड पेपर से तो आप थोड़ा और हार्ड सैंड पेपर ले आइए जो इजीली आपका निकल जाए. ठीक है ये इस तरह से आपको पूरा पूरा बोर्ड रेडी करना है. ये देखिए थोड़ा सा फोकस करिए. ये देखिए ये जो एरिया सरफेस आ रहा है ना इतना सॉफ्ट ये होना चाहिए. इट टेक्स अ टाइम सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और काफ़ी देर तक इसको आपको करना है जब तक आपको ऐसा सरफेस नहीं मिल जाए. ठीक है ये देख रहे हैं प्लेन सरफेस. ये देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको अभी करके दिखा रही हूँ. ये देखिए इतना थोड़ा बहुत चलेगा बट बहुत ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए. ठीक है ये देखिए इस तरह से थोड़ा फिर भी चलेगा बट ये जो क्रैक्स आप देख रहे हैं बड़ी ये आपका टोटली रब होना चाहिए. ठीक है तो चलिए हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे ट्रेसिंग के साथ. तब तक आप अपना बोर्ड रेडी रखिए. आप पूरा बोर्ड एक बार देख लीजिए ये क्रैक्स है और आपको इस तरह से प्लेन सर्फेस बनाना है. ओके टिल देन टेक केयर बाय बाय. ये पूरा हमारा रब हो चुका है और एक हमें क्लीन एंड नीट सरफेस मिल गया है. यहाँ पे एक टिप है अगर आपके पास कभी कभी सपोज होता है कि आपने ज़्यादा फेविकोल डाल दिया है बहुत हार्ड और स्ट्रांग हो जाता है आप एक काम कर सकते हैं जैसे कि मैंने किसी लोकेशन के लिए किया है. जैसे यहाँ पे प्रॉपर वो सरफेस क्लीन हो गया था पर समवेयर देयर वॉज बहुत ज़्यादा मजबूत सी एक क्रैक्स थी. आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए. ठीक है पानी से आपका फेविकोल थोड़ा सा मेल्ट होगा बहुत ज़्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा और आपको जस्ट इसके साथ ऐसे स्क्रैच किया मैंने. ठीक है बहुत अगर हार्ड है ये टिप है क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है करते करते कई बारी स्टूडेंट्स का फेविकोल ज़्यादा होता है वो पूरा पीस ना ख़राब हो जाए तो ये सब हमारे ट्रिक्स होते हैं कि हम उसको कैसे सही कर सकते हैं. तो अगर आपका फेविकोल ज़्यादा हो गया है वो पता कैसे चलेगा फेविकोल ज़्यादा हो गया है आपका ये बहुत हार्ड और स्ट्रांग हो जाएगा. इतना स्ट्रांग होगा कि आपका ये पेपर वेस्ट लगेगा कि आप कर तो रहे हैं बट कुछ भी रब नहीं हो रहा है. अगर सही प्रोपोर्शन में फेविकोल नहीं जाती जनरली हो जाता है बहुत टाइम जब स्टूडेंट्स पहली बार हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ सेम प्रॉब्लम आती है. ठीक है तो ये इसलिए मैंने आपको ये दोनों स्टेप बता दिए कि अगर आपका फेविकोल हार्ड है तो भी आप थोड़ा सा पानी डाल के हार्डली 2 to 3 मिनट्स आप उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद आप फटाफट फास्ट हैंड से आप इसको इवन कर लीजिए. ठीक है इतना इवन आपके लिए बहुत है. ओके
थ्री डी शिनाजी में आपको इतना इवेन, ये जो हमारे ग्रूव्स हैं इसको आपको इवेन करना है, ठीक है। एक बार ये ख़त्म हो गई, आपका बोर्ड रेडी है। अब ये आपका बोर्ड पूरी तरह से रेडी है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब जो हमारा स्टेप नेक्स्ट होगा वो हमारा शीना जी की ट्रेसिंग होगी, जो इसके ऊपर हम करेंगे। ट्रेसिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। जस्ट ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, इसको करने में टाइम लगेगा, इसलिए इसी सेम एपिसोड में मैं वो नहीं करूँगी। बहुत छोटी सी क्लिप है ये, बट इट टेक्स अ टाइम। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो भी आपको इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। तो आप इस काम को करके रखिए, और कल के एपिसोड में मैं फिर आपको ट्रेसिंग करना, शीना जी की ट्रेसिंग कैसे करते हैं, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। अगर यू कैन टेक अ प्रिंट आउट देन गो अहेड फॉर दैट, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। बट अगर आपको खुद से ड्रॉ करना है तो आप उसकी ड्राइंग कैसे बनाएंगे और कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे आप कार्बन पेपर प्लेस करेंगे, सारी चीज़ें हम कल के सेशन में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको बोर्ड को रेडी रखिए, ठीक है। बाय बाय।